मैं हूं म्यूजिक कंपोजर राम संपत एंड यू आर वॉचिंग www.rjmala.com। राम, सबसे पहले वेलकम टू द शो। थैंक यू राम। जानना चाहेंगे आपकी कोलैबोरेशन जो आमिर खान के साथ रही है जी। तलाश में आपने काम किया, डेली बेली में काम किया जी। सत्यमेव जयते के लिए काम किया जी। इस कोलैबोरेशन की, इस एक साथ काम करने की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? आई थिंक पीपली लाइव से हुई जी। जहाँ पे मैंने I had just helped out on some small things on Peepli Live, क्योंकि Peepli Live इतनी अच्छी फिल्म थी। I enjoyed the film. So when he had and हम actually मिले थे through Kiran, because I know Kiran from before. But the first time I actually worked with him was on Delhi Belly. Officially मतलब जब हमने मतलब credit share किया, साथ में काम किया as a producer was on Delhi Belly. And डेली बेली में भी एक्चुअली क्या अजीब सी कहानी है कि डेली बेली में ओरिजिनली एक ही गाना था, आई हेट यू लाइक आई लव यू, और कोई गाना तो था ही नहीं। लेकिन जैसे फिल्म जैसे मैं फिल्म पे काम करते गया, मैं और गाने बनाते गया। एंड व्हाट अबाउट डीके बोस? हाँ वही मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। अच्छा, मतलब वो गाने बनते गए, जैसे फिल्म बनता गया तो गाने बनते गए। एंड ही रियली एंजॉयड दैट प्रोसेस, यू नो, ही एंजॉयड दैट। दिस टू थिंग्स अबाउट हिम, फर्स्ट ऑफ ऑल इज मतलब वो बहुत पेशेंट आदमी है, बहुत सोच समझ के तो काम ही करते ही हैं, लेकिन वो आपको भी टाइम देते हैं, मतलब यू नो आराम से करिए बट अच्छा करिए। हाँ, लेकिन अच्छा करिए यू नो। एंड कोई चीज वर्क नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, विल स्टार्ट अगेन, उस टाइप का स्पिरिट है। और दूसरी बात क्या है कि वो निडर है, वो मतलब डरते नहीं है जो मार्केट में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। तो एक तरफ से मतलब हम दूसरे इंडस्ट्री के मतलब साउंड्स, गाने, वो सब सुन ही नहीं रहते, मतलब अपनी फिल्म में खोए हुए थे हम। सो इट वाज एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस दैट वे। एंड बस वहाँ से मतलब वी गेट अलोंग, वी एंजॉय वर्किंग। उनका उनकी देखिए ये खासियत है कि वो उनकी कोई कैंप नहीं होती है, वो सबके साथ काम करते हैं, वो सबके साथ दोस्त हैं। जैसे शंकर महादेवन आके तो हमारे लिए सत्यमेव जयते सीजन 2 में उन्होंने गाना गाया। तो मतलब मैं यही बोल रहा हूँ, मतलब कोई ये नहीं होता, मतलब कोई कैंप नहीं होता है, नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सब दोस्त हैं, सबको फोन किया जाता है, सबसे बात किया जाता है। हाँ, लेकिन तो, बाकी जगह तो कैंप है, तो यहाँ के लोग बाकी जगह जा सकते हैं? नहीं, एक्चुअली मैं मानता नहीं हूँ उतना, मतलब आप नहीं मानते, लेकिन वो लोग जो कैंप मानते हैं वो मतलब उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल जिंदगी है, इट्स अ डिफिकल्ट लाइफ। अगर आप कैंप्स में बैठे रहे तो मतलब बहुत मुश्किल जिंदगी। लेकिन बॉलीवुड तो ऐसे ही बटा हुआ है। अगर आप मानो तो सच है, कोई भी बात अगर आप मानो तो वो सच होती है, मतलब वो सच्चाई वही होती है। लेकिन अगर आप ये मान लो कि मतलब हमको काम करना, अच्छा काम करना, अच्छे लोगों के साथ काम करना है, तो आप जहाँ भी अच्छे लोग हैं वो आपके साथ कभी ना कभी काम कर ही लेंगे, मतलब ये मेरा मानना है जी। यू नो कि कभी मतलब रिश्ते ना परमानेंटली टूटते हैं ना परमानेंटली जुड़े रहते हैं। हर स्क्रिप्ट का, हर क्रिएटिव रिक्वायरमेंट का एक कास्टिंग होता है, और उसके हिसाब से कास्टिंग होनी चाहिए। लेकिन फिर अगर हम ये कहें कि अगर ऐसा आप मानते हैं तो आपकी एसोसिएशन ज्यादातर आमिर खान के साथ ही क्यों है? क्योंकि आई लाइक वर्किंग विद हिम, बस उतनी सी बात है, नहीं लाइक वर्किंग विद मी, बस और कुछ नहीं है, मतलब देयर इज नो देखिए जैसे मतलब इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि सिंस यू आर एसोसिएटेड विद आमिर खान कैंप, इसलिए आप बाकी कैंप्स के साथ वैसे नहीं जुड़े हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, तो मैं मतलब मैं एक्सेल के साथ अभी 2 फिल्में कर रहा हूँ। मैं एक्सेल के साथ एक्चुअली 2 फिल्में कर चुका हूँ, तलाश और फुकरे दोनों कर चुका हूँ। और तलाश में भी मतलब आमिर ने मतलब रेकमेंड किया था, कास्टिंग तो रीमा ने किया था, रीमा काकती ने किया था, डायरेक्टर ने किया था। और एक्सेल में मेरे हिसाब से इनफैक्ट इवन नेके पी आमिर कभी कास्टिंग में दखलंदाजी नहीं करते हैं। जैसे ओरिजिनली जो कास्टिंग था डेली बेली का, वो था शंकर एहसान लॉय, वो उन्होंने साइन किया था फिल्म,
एक गाना और एक बैकग्राउंड और बैकग्राउंड स्कोर। फिर जब मेरे दोस्त एक्चुअली डायरेक्टर बने अभिनय देव, तो अभिनय और मेरा बहुत पुराना कनेक्शन है एडवर्टाइजिंग से। तो अभिनय हैड स्पोकन टू आमिर एंड सेड कि यू नो कि मैं आई एम कंफर्टेबल विद राम, इफ यू डोंट माइंड कैन वी गेट राम ऑन बोर्ड। सो आमिर स्पोक टू SEL एंड ही टोल्ड देम इफ यू डोंट माइंड कैन वी गेट राम ऑन बोर्ड फॉर दिस। मतलब ऐसे काम होता है, ये कोई बड़ी मतलब राइवलरी होगी, आई डोंट मतलब मैं शायद अपने कुएं में रहता हूँ, लेकिन मेरा मुझे अपना कुआं बहुत पसंद है, जी मुझे मतलब ये झगड़े में फंसना ही नहीं है। जी